अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड नाइन्थ रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट थर्ड रैंक इन सिटी। आवर थ्री स्टूडेंट्स अंकित कुमार विश्वकर्मा, हिमांशु मिश्रा एंड विकास आनंद गौतम गॉट सेलेक्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2023-2024। Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. वक्त गुलशन पर पड़ा, वक्त गुलशन पर पड़ा तब लहू हमने दिया, बहार आई तो कहती हो तुम्हारा काम नहीं। संसद की सारी पीड़ाएं मिलकर मुझसे घात न करती तो मेरे नैनों के आंसू गली गली बदनाम न होते। अरे रे 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 रे, चाहे दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यार ना मिले, चाहे दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यार ना मिले, तेरी या गोरी हो चाहे काली पर बद चलनी नार ना मिले। जवानी का प्यार मचाया कहर है, तेरा ध्यान इस वक्त मनीष किधर है, चलो संग सोए यंग यौवन से मिलके, बिना संग सोए ना दिल को सबर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज पहली खबर की शुरुआत करते हैं जहाँ प्रेमिका SDM ज्योति मौर्य केस में प्रेमी होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे हुए सस्पेंड। आलोक मौर्य को दी थी जान से मारने की धमकी, इस प्रेम कहानी पर क्या कहता रंदा सुनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे लिया पराई औरत का मजा वैसे अब काटो निलंबन की सजा। ये तो इश्क मोहब्बत की पिंगे बढ़ाने से पहले SDM ज्योति मौर्य व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सोच लेना चाहिए था कि इश्क व मुश्क लाख छिपाने से भी वैसे ही नहीं छिपते हैं जैसे बहते जल में गंदगी करने से वो जल के ऊपर आ ही जाती है। रंदा तो तब ज़्यादा खुश होता जब SDM ज्योति मौर्य व कमांडेंट मनीष दुबे पर बर्खास्तगी की कार्रवाई के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम को ठेंगा दिखाने, पति आलोक मौर्य के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का झूठा केस लिखवाने व कमांडेंट द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने की अदालत में अर्जी देने या उसे मानसिक सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने के अभियोग में दोनों वासना में अंधे अधिकारी जेल की हवा भी खाते। SDM ज्योति मौर्य ने जो अपने सफाईकर्मी पति आलोक मौर्य को बेवफाई का सिला दिया है, वो बेचारा मन ही मन मरहूम बिरहा गायक बालेश्वर यादव के बिरहा की ये पंक्तियां कहने को मजबूर है। अरे रे 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 रे, चाहे दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यार ना मिले, चाहे दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यार ना मिले, तेरी या गोरी हो चाहे काली पर बद चलनी नार ना मिले। सफाई कर्मी आलोक मौर्य आर्थिक परेशानी उठाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन जब वो SDM बन गई तो वो प्यार मोहब्बत इसकी पिंगे और मर्द व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से बढ़ाने लगी। आलोक मौर्य के कथनानुसार जब उसने दोनों को रंगे हाथों इश्क लड़ाते हुए आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया तो उसकी SDM पत्नी ज्योति मौर्य ने शर्मोहया ताक पर रखकर उसके विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा जहां दर्ज करा दिया, वहीं SDM ज्योति मौर्य के प्रेमी होमगार्ड कमांडेंट महोबा मनीष दुबे ने उसे जान से जान माल की धमकी दे डाली। उसकी शिकायत पर कमांडेंट मनीष दुबे जांचोपरांत निलंबित हो गए। बिना प्रियतमा तड़पे प्रीतम सिंह बेचारे की तर्ज पर
आलोक मौर्य अपनी एहडीएम पत्नी की व्यवसायी को इस शेर से कोस रहा है। वक्त गुलशन पर पड़ा, वक्त गुलशन पर पड़ा, तब लहू हमने दिया, बहार आई तो कहती हो तुम्हारा काम नहीं। वो बेचारा मीडिया से लेकर जिम्मेदार अफसरों से न्याय की फरियाद करते हुए अपने जार बेजार आंसू बहा रहा है। वो मरहूम कवि व गीतकार देवसमा वाजपेयी की इस गीत की पंक्ति को मन ही मन कहकर आंसुओं की बारिश कर रहा है। संसद की सारी पीड़ाएं मिलकर मुझसे घात न करती तो मेरे नैनों के आंसू गली गली बदनाम न होते। उसके अंतर मन की मुख व्यथा को वही बेचारा समझ पा रहा है। वो लोग क्या एहसास करेंगे जिनके पैर न फटी बीमाई सो का जाने पीर पर आई। रंदा की नज़र में न तो कामी पुरुष और न कामी स्त्री चारित्रिक मामले में कुछ उचित अनुचित का विचार करती है। ऐसे पर पुरुषगामी नारी के लिए कहा गया है, एक नारी दुई से फंसी, जैसे दुई तैसे असी। जब एहडीएम ज्योति मौर्य व होमगार्ड कमांडेंट इस मोहब्बत की रोमांटिक बातें कर रहे होंगे तभी शायद भक्त पूरन मल की नौटंकी में वर्णित चरित्रहीन पूरन मल की मौसी की तरह ये चौबोला कहा होगा, जवानी का प्यारे मचाया कहर है, तेरा ध्यान इस वक्त मनी से किधर है, चलो संग सोए यंग यौवन से मिलके, बिना संग सोए ना दिल को सबर है। रंदा ने जब से एहडीएम ज्योति मौर्य व कमांडेंट मनीष दुबे के इसका को परवाज जब चढ़ने लगा तथा ज्योति के पति आलोक मौर्य का हाल बेहाल सुना है तब से वो ये सोचने पर विवश है कि जिस एसडीएम के पास न्यायिक शक्तियां हैं उसने चरित्रहीनता की पराकाष्ठा से आगे निकल गई तो उस पीड़ित महिलाओं को न्याय कैसे सुलभ कर पाएंगी। रंदा को इस बात का भी दुख है कि ज्योति मौर्य जैसी चरित्रहीन महिलाएं उसी तरह पूरे समाज को गंदा करने का काम कर रही हैं जैसे एक मरी मछली पूरे तालाब को गंदा बनाकर रख देती है। समाज में अच्छे चरित्र की महिलाएं हैं जो अपने चारित्रिक चिंतन से देश व समाज की बेहतरीन सेवा कर रही हैं। ज्योति मौर्य के चरित्र से सभी महिलाओं की तुलना नहीं की जा सकती और ना ही सभी चरित्रवान पुरुषों की तुलना वासना की प्रतिमूर्ति मनीष दुबे से ही की जा सकती है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जैसे मुट्ठी भर लोग सरकारी पदों पर बैठकर चारित्रिक गंदगी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। रंदा सभी भाइयों से अनुरोध करता है कि वो अपनी पत्नियों पुत्रियों तथा पत्नी को शिक्षा से मरहूम न करें। सभी पत्नी ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं चरित्रहीन व पति को धोखा देने वाली नहीं हो सकती। बहुत सी ऐसी भी नारियां हैं जिनके पति का इंतकाल भरी जवानी में हो गया, उन्होंने पर पुरुष की चाहना नहीं की और पूरा जीवन विधवा बनकर काट डाला। रंदा हमेशा नारी शक्ति का सम्मान करता है, वो नारी जात का अपमान देख व सुन नहीं पाता है। जो लोग नारी का भोग का विषय मानते हैं और उनकी निंदा करते हैं ऐसे लोगों को जवाब रंदा इस दोहे से देता है, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। रंदा ने एक नौटंकी की किताब में ये बाहर तवील भी पढ़ी है, इसमें नारियों की तीन कैटेगरी बताई गई हैं, जो है उत्तम त्रिया पर पुरुष को मन में विचारे नहीं, जो है मध्यम त्रिया बंधु भाई लखे नीति अपनी कुमारग में डारे नहीं, जो है उल्टा महा घोर व्यभिचारिणी अनुचित उचित कोई विचारे नहीं, हर जन्म में वो विधवा बन दुख भोगती और आखिर में पावे परम धाम को, पग कुमारग में देना मुनासिब नहीं सोच करके ऐसे घृणित अंजाम को। रंदा ने एहडीएम ज्योति मौर्य व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग जनहित में। बिल्कुल, तो आपने देखा और सुना होगा ज्योति मौर्य एसडीएम और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की प्रेम कहानी को और बेचारा आलोक मौर्य किस तरह से भटकता फिरा। जैसे ही ये कांड सोशल मीडिया में आया उसी के दौरान
सोशल पर जो है चलने वाले जो लोग जो पत्नियों को पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे थे, शादी के बाद पढ़ा रहे थे, उन्होंने वापस भी बुला लिया कुछ महिलाओं को। ऐसा पूरा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा एंड सभी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है देखने को भी आपको मिला होगा कि जो पढ़ रही थी महिला उनको बुला लेगा। तो रंदा की ये जो है एक अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर महिला एक समान नहीं होती है और हर पुरुष एक समान नहीं होता है। फिलहाल SDM ज्योति मौर्या व होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की मांग जनहित में रंदा ने की है। अब ले चलते हैं आपको दूसरी खबर पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का संदेश के साथ वन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत 35 करोड़ पौधरोपण कर नया रिकॉर्ड अब बनाया जाएगा। आखिरकार जो पौधरोपण हो रहा है इस पर क्या कहता है, सुनते हैं। जब से CM साहब योगी आदित्यनाथ ने 35 करोड़ पौधरोपण कर नया रिकॉर्ड बनाने की बात कही है, तब से पर्यावरण प्रेमी रंदा खंजड़ी बजाकर ये स्लोगन गा रहा है, सुखी समृद्ध उसका परिवार जिसने वृक्ष लगाए चार। मुख्यमंत्री जी, जरा इस सरकारी वृक्षारोपण पर खास नज़र रखिएगा, कहीं आपके अधिकारी कर्मचारी वन व उद्यान विभाग के जिम्मेदार मरहूम कवि संत पांडे की काव्य पंक्तियों को साकार न कर दें, जिससे आपके मनसा पर पलीता लग जाए। तुम बिरवा खूब लगाए रहे हो, हाथ गढ़ा लंग मुँह कैमरा लंग, तुम फोटो खूब खिंचवाए रहे हो, तुम बिरवा खूब ही लगाए रहे हो। मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर जी, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीतापुर में वृक्षारोपण वृहद स्तर पर किया गया था, जिसमें रखरखाव देखभाल के अभाव में 70% पौधे सूख गए थे, सिर्फ 30% पौधे ही जीवित बचे थे। वर्ष 2021-22 में भी भारी संख्या में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें से करीब 30 से लगाकर 35% ही पौधे जीवित बचे। ऐसे वृक्षारोपण का क्या फायदा है जब वृक्षारोपण की फोटो खींच जाने के बाद उसके देखभाल पर ध्यान नहीं दिया जाता। या तो सिंचाई के अभाव में पौधे सूख जाते हैं, या फिर टीग्रा गार्ड न लगे होने के कारण उनको जानवर अपना निवाला बना लेते हैं। धरातल पर वृक्षारोपण की सच्चाई कुछ और तथा सरकारी कागजों पर वृक्षारोपण की सच्चाई कुछ और होती है। देश की आज़ादी के समय हमारा देश 33% वनाच्छादित था, आज बामुश्किल 5-6% है। वृक्षों की विलास लीला भी जारी है, यहाँ तक कि प्रतिबंधित फलदार वृक्षों को भी ये कहकर वन विभाग तथा उद्यान विभाग लकड़कट्टों को वृक्ष कटान की अनुमति दे देते हैं कि वो वृक्ष फल देने योग्य नहीं है। बड़े बड़े वृक्षों के विनाश लीला से पक्षियों की प्रजातियाँ भी धीरे धीरे विलुप्त प्राय होती जा रही हैं। रंदा ने किसी कवि को वृक्ष विनाश लीला को देखकर ये कहते सुना है, वन विभाग के अधिकारी महाराणा प्रताप के चरण चिन्हों पर जा रहे हैं, वो तो सिर्फ घास की रोटियां खाते थे, ये तो पूरा जंगल ही चबाए जा रहे हैं। रंदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनहित में मांग करता है कि आप वृक्षारोपण का जो लक्ष्य रखा है वो ठीक है, लेकिन पिछले वर्षों में हुए वृक्षारोपण का भौतिक सत्यापन करा लें, वृक्षारोपण में किए गए गोलमाल की हकीकत स्वयं सामने आ जाएगी। रंदा उन तथा कथित कुछ सपास रोगी समाज सेवियों से अनुरोध करता है कि जो 10-12 लोग मिलकर पौधा तो एक रोपते हैं, उसकी सुरक्षा हेतु टी गार्ड भी नहीं लगाते हैं, पर्यावरण तथा वृक्षारोपण को लेकर लफाजीपूर्ण भाषण देते हैं और मीडिया में खबर व फोटो प्रकाशित हो जाने के बाद वो अपने द्वारा लगाए गए पौधरोपण की सुध भी नहीं लेते। वो पानी के बिना सूख गया है या उसे बकरियां चट गई हैं, इसे भी ध्यान नहीं देते। रंदा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता है कि वृक्षारोपण को सरकारी कार्यक्रम बनाने के स्थान पर जन आंदोलन का रूप दें। पौधों को किसानों, मजदूरों व पर्यावरण प्रेमियों को निःशुल्क वितरित कराएं, फिर देखो अधिकांश पौधे सुरक्षित रहेंगे और समय के साथ विशालकाय वृक्ष का आकार भी ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल, रंदा ने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा ने एक बार फिर 2022-23 में जो है पौधरोपण का लक्ष्य रखा है, लेकिन लक्ष्य रखा है 35 करोड़ पौधे लगाने का।
रंदा कहता है कि लक्ष्य तो रखिए, अच्छी बात है, लेकिन जो पौधे लगा रहे हैं ये सिर्फ खिंचौआ ना बने। यानी कि सिर्फ फोटो खिंचाना ही आपकी प्राथमिकता नहीं है, पौधों को लगाना, लगाने के बाद उसकी सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है, तभी पौधे जो हैं वो सुचारू रूप से चल सकेंगे। अगली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत जनपद के गांव मदीना में बिना किसी सूचना के पहुंचकर खेत में ट्रैक्टर चलाया तथा धान की रोपाई भी की। किसानों मजदूरों से जाना उनकी समस्या का हाल। कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी मोटर मैकेनिक की दुकान पर नट बोल्ट कसते हुए आए थे नजर। आखिरकार राहुल गांधी के इस नए नए रूपों पर क्या कहता रंदा, सुनते हैं। राहुल जी, आपकी इसी अदा पर तो धीरे धीरे पूरा देश फिदा हो रहा है। जो लोग आपको पहले पप्पू कहते थे, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद पप्पा कहने पर मजबूर हुए हैं। राहुल जी, आप मुन्ना भाई की तरह लगे रहो, आप किसानों मजदूरों व हर तबके की समस्याओं को जानो। जिस भाजपा शासित मणिपुर में दंगे आगजनी मारकाट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी तक वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके, इस मणिपुर में राहुल राहत शिविरों में जाकर उनका हालचाल लिया तथा इस त्रासदी से भयभीत लोगों को ढांढस बंधाया। सोनीपत के ग्राम मदीना में धान रोपण के समय जिस प्रकार महिलाएं गीत गाती हैं, आप भी उनके साथ गाते तो रंदा को और अच्छा लगता। सोनीपत की जगह अगर उत्तर प्रदेश का सीतापुर जनपद होता तो महिला किसान व महिला खेतिहर मजदूरों के साथ धान रोपाई करते समय लाचारी गीत भी सामूहिक स्वर में गाना पड़ता। गाँव के पछुए छिछली तलैया, मछरी कभा कब हो री सकीरी, मछरी कभा कब हो री सकीरी। रंदा राहुल गांधी से अपील करता है, जब वो मोटरसाइकिल व स्कूटर की मरम्मत करने का कार्य सीखना चाहें तो वो सीतापुर शहर में आकर शहरी विकास राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु से सीख लें। वो आपको बता देंगे कि गोल रिंच, फोल रिंच, होल रिंच का प्रयोग कौन कौन से नट बोल्ट कसने के काम आते हैं। जब उन्होंने सीतापुर शहर में कई लोगों को स्कूटर मोटरसाइकिल मरम्मत करने का काम सिखाया है तो आपको भी सिखा देंगे। अगर उनसे भाषण भी सीखना चाहो तो वो भी सिखा देंगे। बिल्कुल, तुरंदर ने बताया कि राहुल गांधी को एक सलाह दी है कि जब आप कहीं खेत में जाके धान रोपाई कर रहे हैं, कहीं आप मैकेनिक की दुकान पर जाके बोल्ट कस रहे हैं, तो जब सीतापुर आइएगा और आपको अगर सीखना हो तो राकेश राठौर गुरु जो शहरी नगर विकास राज्य मंत्री हैं उनसे जरूर मिलिएगा। वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि रंदा ने कहा है कि वो मैकेनिक मिस्त्री भी रहे हैं और उन्हें ज्ञान भी है, इसलिए राहुल गांधी जब सीतापुर आए उनसे जरूर नट बोल्ट कसना सीख लें। तो कैसा लगा आज का रंदा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप प्रदेश व सीतापुर के जनपद की खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो YouTube पर जाकर आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदे के कार्यक्रम में। नमस्कार। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजयलक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड न्यू दिल्ली, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, NCC फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, State of the Art Labs, School Cinema, Ultra Modern Teaching Support, Digital Classrooms. StudyWell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।